इस क्वेश्चन को आपको डील करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल एक बड़े क्वेश्चन, दो बड़े क्वेश्चन का ये क्या है आपका कंबाइन वर्जन है, तो दो बड़े क्वेश्चन का ये रूप है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, सॉरी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डील होता है लॉग से, ठीक है। तो इसे आप अलग डील करोगे, इसे अलग डील करोगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, चलिए इसे वाई अज्यूम कर लेते हैं और लिख लेते हैं लेट यू इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, और वी क्या अज्यूम कर लेते हैं एक्स साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स, ठीक है। अब y क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी हो जाएगा, क्योंकि u आपने इसको u एज्यूम किया, इसको v एज्यूम किया, u प्लस वी हो गया y। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका dy वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन है, ये आपका इक्वेशन नंबर टू आ गया। तो आपको फाइनली क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि y का डेरिवेटिव निकालना था विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या है, u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x और v को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और जो दोनों आंसर आएंगे उनको ऐड करके आप आंसर फाइनल आंसर दे दोगे इस कंप्लीट क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा टास्क होने वाला है, खैर चलिए देखते हैं हम लोग। तो u को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो u इज x cos x की पावर x, टेकिंग बोथ साइड log, तो क्या हो जाएगा आपका log u इक्वल्स टू log ऑफ x cos x की पावर x हो जाएगा। log के पावर की प्रॉपर्टी से पीछे आएगा, है ना, या आगे आएगा, जो भी आप सोचिए। अब यहाँ पे log m इंटू n है, तो फिर से log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m प्लस n हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर ले इसको x इसी स्टेप में कर देते हैं, क्या हो जाएगा log x और प्लस आपका log ऑफ cos x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट प्लेस कर देते हैं क्योंकि x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ये आपका फाइनल हो गया, या इसको अंदर मल्टीप्लाई और कर दीजिए, x प्लस x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x log ऑफ cos x हो गया। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है एक तरह से, हालांकि बड़ा दिख रहा है लेकिन वो सिंप्लीफाइड है। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट d बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड लॉग x का, और प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लिखने के लिए। हम लोग वहीं पे इसको एक ब्रैकेट को एक फंक्शन डील कर लेते हैं और सेकेंड डील कर लेते हैं हम लोग एक्स को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ log u दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x, और जो ये ब्रैकेट में आपके पास है log ऑफ x और प्लस log ऑफ cos x, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड मतलब log x प्लस log ऑफ cos x, और प्लस सेकेंड मतलब log x और प्लस log ऑफ cos x, और d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये d बाई डी यू होगा, है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, ये u का फंक्शन है, तो यहाँ d बाई डी यू और फिर du यू बाई डी एक्स करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 बाई यू और हो गया du यू बाई डी एक्स, ठीक। तो यहाँ थोड़ा केयर करिएगा गलती ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और फिर log का डिफ्रेंशिएशन होगा, log का क्या होता है आपका 1 बाई एक्स, फिर log cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ log डिफ्रेंशिएट होगा और सेकेंड नंबर पे कौन डिफ्रेंशिएट होगा cos, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई
cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। अब देखिए ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो गया माइनस। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो वो भी हम लोग यहाँ लिख दिया जाए, काफ़ी छोटा वर्जन हो जाएगा, है ना, टेन ऑफ एक्स ये ब्रैकेट प्लस। अब क्या होने वाला है, ये तो ऐसे ही रहेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक, और एक्स का वन हो जाएगा, है ना। इसको तो शॉर्ट वर्जन में लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से चला आएगा, लेकिन ये कट के कितना हो जाएगा आपका, एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा, तो इसको हम वन लिख देते हैं ना, तो वन माइनस एक्स टेन एक्स। अच्छा, यहाँ पे लॉग एम प्लस लॉग एन है तो रिवर्स मैनर में लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, ये भी छोटा दिखने लगेगा, तो आंसर थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, दैट इज डी यू बाई डी एक्स वन बाई यू, है ना, वन बाई यू है। अब यू भी इधर ले आइए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ब्रैकेट में आ गई, उधर से यू इस साइड में आएगा, है ना, ऊपर जाएगा, यहाँ से यू हट गया। अब यू तो डमी वेरिएबल था, यू को हमने एज्यूम क्या किया था, ये था एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, तो यहाँ रख देते हैं एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ने इतना हम लोग से, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अब सिमिलर इतना ही मेहनत करना पड़ेगा आपको डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो देख लीजिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपका क्या है, v है, तो टेकिंग बोथ साइड log, तो log ऑफ v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x साइन x की पावर वन बाई एक्स, प्रॉपर्टी के log की पावर वाली प्रॉपर्टी से पीछे आगे आ जाएगा ये वन बाई एक्स, ठीक है। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सब में ब्रेक कर सकते हो, तो दैट इज वन बाई एक्स log ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस log ऑफ साइन एक्स, है ना। अब ये लॉग वी हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वी दैट इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, वन बाई एक्स ठीक है, वन बाई एक्स टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक। अब देख दीजिए यहाँ पे हम क्या प्रोडक्ट रूल लगा देंगे एक तरह से, या फिर डिवीजन रूल लगा दीजिए, है ना, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं और ऊपर जो हमने ये एक्सपेंड किया था एक्सपेंड नहीं करते हैं ना, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या था यहाँ पे आपका जो विदाउट एक्सपेंडेड था, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, है ना, वही उसी को लगाते हैं, यहाँ पे डिवीजन रूल लगा देते हैं। डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस साइड में क्या हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा नहीं जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है, u में, तो ये क्या हो जाता है, वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स, एडजस्ट करके डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आता है आपका। अच्छा, यहाँ सोचिए log x फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी पहले प्रोडक्ट है x इंटू साइन एक्स है, तो log m प्लस log n कर लेते हैं, मतलब log x प्लस log साइन x कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट तब बाद में करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दैट इज एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ क्या था एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी।
अब इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। फिर इस लॉग साइनस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/sin आएगा, चेन रूल लगेगा है ना। और फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा तो कॉस आएगा न्यूमरेटर में, ठीक। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉट लिख ले रहे हैं, तो दैट इज कॉट एक्स। माइनस क्या है आपका, लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, ये साथ में है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा, होल अपॉन आपका क्या था, एक्स स्क्वायर था, ठीक। अच्छा ये एक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और साथ में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कट के वन आ जाएगा, यहाँ चला गया, तो ये क्या आ गया आपका वन, ठीक। तो ये आपका क्या है, दैट इज वन बाई वी डी बी बाई डी एक्स, सॉरी वन बाई वी, हाँ वन बाई वी डी बी बाई डी एक्स, लेकिन हमें डी बी बाई डी एक्स चाहिए तो हम वी को उधर भेज दें, उससे पहले इन चीज़ों को ब्रैकेट में बंद कर दें, और v यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला गया, ठीक है। और v आपका डमी वेरिएबल है, ओरिजिनल क्या था आपका, v था आपके पास x साइन x की पावर 1/x, तो यहाँ पे हटा के लिख देते हैं हम लोग v जो ओरिजिनल था, दैट इज x साइन x की पावर 1/x। ये आपका रिजल्ट नंबर 4 आ गया, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों रिजल्ट आप 2 में रख दीजिए, जहाँ du by dx मतलब इन दोनों को ऐड करके आंसर एक्सप्रेस कर देना है, फर्दर कोई सिंप्लीफाई के हमें गुंजाइश तो दिख नहीं रही है, दैट इज योर फाइनल आंसर।